Now, but the last lecture we started with the conversion of x to the value z, and then we were making the equation on our own. हमने x वेरिएबल को z वेरिएबल में कन्वर्ट करना सीखा और हम वो इक्वेशन बनाना सीखे और उस पर से फिर ग्राफ बना के हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे. आज उसी पर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. वी स्टिल यू नो प्रैक्टिस दोस थिंग अगेन सो दैट आवर कंसेप्ट गो मच स्ट्रॉन्गर. ओके, सो आज के लिए कितने सम करने हैं वो मैं तुमको बता दूं. पेज नंबर 136 पर चले जाओ, पेज नंबर 136 पर चले जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा तुम्हें करके दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा तुम्हें करना है, एंड देन आई डू ऑन पेज नंबर 138 सम नंबर 3. तीन ही सम हम कर पाएंगे बिकॉज इन ईच एंड एवरी सम वी हैव 3 सब क्वेश्चंस. अगर तुम देखोगे हर एक क्वेश्चन में देयर आर 3 सब क्वेश्चंस. So, देखने के लिए जाए तो 9 सम्स हम करने वाले हैं, लेकिन दिखते कितने हैं, सिर्फ 3. पढ़ना शुरू करते हैं, चलो पढ़ना शुरू करते हैं. सेक्शन ई, पेज 136, सेक्शन ई, स्टार्ट रीडिंग द सम. द एवरेज वेट ऑफ 500 पर्सन ऑफ अ एज बिटवीन 20 इयर्स एंड 26 इयर्स ऑफ सर्टेन एरिया इज गिवन, जिसमें म्यू कितना है 55 and the variance given is 100. The weight of this person follows a normal distribution. According to the weight of the person, they are categorized as under. पहला क्या ढूंढना है मेरे को? We have to find the number of person. We have to find the number of person जिनका weight कितने से ज्यादा है? 70. The person weight is more than 70 kg. That's my first question. Second क्या ढूंढना है देखो? How many person are having weights between 50 kgs and 60 kgs? And third, the person having weight less than 35 kg, वो देखो तुम जैसा है, mentally a weak person. तुमने पढ़ लिया, शाबाश. तो ये तीन क्वेश्चन हमको करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करो बेटा. What's my mu? 55. Now they have given variance as 100. तो सिग्मा क्या आएगा? 10. They have given variance as 100. तो सिग्मा will be 10. But the first question क्या बोले हैं ढूंढने के लिए? We have to find the number of persons. We need to find number of person having weight. But having weight more than 70 kgs. The weight is more than 70 kgs. अब बेटा ये जो 70 दिया है उसे हम क्या कहते हैं? It is our x. ये जो 70 दिया है वो है मेरा x, जिसको मैं z में convert करूँगा. What's the formula of conversion? X minus mu upon sigma. What's the formula? X minus mu upon sigma. तो 70 माइनस 55 अपॉन 10 कितना आ रहा है? 1.5. पॉजिटिव 1.5. एनीबॉडी कैन हेल्प मी, मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगा जिस पर से फिर हम ग्राफ बनाएंगे? रेज योर हैंड, रीड द इंग्लिश प्रॉपरली एंड देन गिव मी द इक्वेशन के जिस पर से हम अपना ग्राफ बनाएंगे. हाँ देव, probability of z is more than equal to 1.5. it will be more than or equal to 1.5. beta more wala shabd hai, so mera equation kaise banega? Probability of z greater than or equal to 1.5. probability of z greater than or equal to 1.5. beta agar main iska graphical presentation karu, अगर हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो यहां पर z इक्वल टू 0 आ जाएगा. 1.5 कहां जाएगा? ऑन द राइट साइड. 1.5 विल गो ऑन द राइट साइड.
So beta 1 2 3 which area we are supposed to find out? 1 2 3 I want a more area. बेटा जैसे शब्द सुना मोर मतलब मेरे को जाने का राइट साइड मतलब आई नीड टू फाइंड आउट दिस थर्ड एरिया. हाउ विल गेट दोस थर्ड एरिया? हाउ विल गेट दोस थर्ड एरिया? कैन आई से आई गो फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी? डू आई नो द एरिया फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी? 0.5 एंड देन आई विल फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम जीरो टू 1.5 फ्रॉम बिहाइंड एंड दैट वी आर सपोज टू एड और लेस. Yes, supposed to add or less? Yes. Bahut badhiya. We need to less that. So, yahan par main aakar equation banaunga. Probability of z less than equal to infinity minus probability of 0 se leke I went up to 1.5. So, 0.5 minus 0.1.5 ka kitna aa raha hai? It's 0.4332. 0.5 minus 4332 0.0668. But this is not my answer, huh? This is not my answer. 0.668 is not my answer. What are we supposed to find out? Number of persons. So number of persons agar mujhe find karne hai, total kitne persons hai zara bolo. So 0.0668 into 500 33.4 को मैं राउंड ऑफ करके आई कीप इट एज 34 नॉट 33 आई टेक इट एज 34. बेटा इंसानों में यहाँ पर अगर 33.2 भी है तो भी 34 ले लेने का, 33.1 है तो भी 34 लेने का. इधर ऐसा 0.5 वाला गेम नहीं खेलने का इंसानों में कि 0.5 है तो 34, 0.5 से कम है तो 33, ऐसा नहीं. कुछ भी अगर ज्यादा है नंबर ऑफ पर्सन सो हम नियरेस्ट उसका नेक्स्ट वाले नंबर को ही राउंड ऑफ कर देंगे. तो ये वाला पता चल गया कि कितने लोगों का वजन 70 किलो से ज्यादा है. देयर आर टोटल 34 पीपल हु आर हुज वेट आर मोर देन 70 केजी. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग? सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू अगेन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन. वी नीड टू अगेन फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन जिनका वेट किसके बिटवीन है. The weight is between 50 kgs and 60 kgs. The weight is between 50 kg and 60 kg. तो इसको भी मैं z में कन्वर्ट कर दूंगा 50 को. x minus mu upon sigma. ये 60 के लिए भी कहना है, the formula will be the same. x minus mu upon sigma. So 50 minus 55 upon 10. Minus 0.5. Can I say that's minus 0.5? यहाँ पर 60 minus 55 upon 10. 0.5. That is positive 0.5. बेटा can anybody tell me how will I make my equation? Minus infinity. Tulsi? P probability minus 0.5. Yeah. Probability minus 0.5. More than, less than. Less than ke more than? Less than. Lucky kar lo. Less than. Z. Less than equal to Z. 0.5. Bas less than Z, pachi 0.5 aisa? Equal to 0. Equal to? Less than 0.5. Yeah. But minus 0.5 se leke 0.5, humko uske between ka area dhoondna hai. So, मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह से बनेगा. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर मैं करूं, तो यहां पर z इक्वल टू 0 है, z1 इज माइनस 0.5 एंड z2 इज 0.5. बट आई वॉन्ट अ बिटवीन एरिया, सो विच एरिया आई नीड टू क्या से 2 एंड 3 वी आर सपोज टू फाइंड आउट. But how will I get that 2-3 वाला एरिया? कैसे मिलेगा? कैसे हम जाएंगे कहां से 0 से लेके माइनस 0.5 तक?
और जीरो से लेके जाएंगे पॉजिटिव 0.5 तक, और दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस 0.5 लेस देन इक्वल टू जीरो। बेटा यहां पर ये माइनस में है, जेड का वैल्यू माइनस में, तो अपने को क्या खेलना पड़ेगा, बूमरैंग खेलो बेटा, बूमरैंग खेलो, इंटरचेंज हो जाएगी वैल्यूज। तो बेटा 0.5 0.1915 और यहां पर भी 0.1915, तो व्हाट्स द फाइनल आंसर, 0.3830। अगेन दिस इज नॉट माय आंसर, हां दिस इज नॉट माय आंसर, आई हैव टू फाइंड व्हाट नंबर ऑफ पर्संस। सो 0.3830 इनटू 500 लोग हैं टोटल, 191.5, तो राउंडेड ऑफ कर देंगे, इट इज 192 बेटा, तो टोटल 192 लोग हैं, टोटल अपने 192 लोग हैं जिनका वजन 50 से लेके 60 के बीच में है, जिनका वजन 50 से लेके 60 के बीच में है, टोटल कितने लोग हैं वो 192। फिर बेटा थर्ड वाले पे चलो, थर्ड वाले पे चलो, ये पता चला फर्स्ट एंड सेकंड पता चला, थर्ड वाले पे चलते हैं। देखो जिनका वजन 35 से कम है बेटा, वो फिजिकली वीक है और मेंटली तुम वीक हो बेटा। नंबर ऑफ पर्सन वेट लेस देन कितना है 35 kg, नंबर ऑफ पर्सन जिनका वेट लेस देन 35 kg है। अब वापस बेटा हमको ये x को किस में कन्वर्ट करना है, z में कन्वर्ट करना है। बेटा जब भी अंडर वेट्स की बात आ रही है तब बेटा सब बारहवीं की तरफ मत देखा करो, इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है बेटा, और बहुत सारे लोग हैं जो अंडर वेट है, अकेले उसकी तरफ मत देखो बेटा। ये 35 है तो उसको पहले जेड में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 35 माइनस 55 अपॉन 10, तो दैट्स माइनस 2 बेटा, दैट्स आंसर व्हाट यू आर गेटिंग इज माइनस 2। सो माइनस 2 अगर है तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, मुझे लेस देन चाहिए, लेस देन चाहिए, तो आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो तो यहां पर z इक्वल टू 0 आएगा, माइनस 2 कुटे जाएगा, माइनस 2 लेफ्ट साइड, एंड बेटा माइनस 2 इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, आई वांट अ लेसर एरिया, लेसर कैन आई से द फर्स्ट एरिया इज टू बी फाउंड आउट, बेटा प्लीज हेल्प, हाउ विल आई फाइंड आउट माय फर्स्ट एरिया, so do I know the area between 0 to minus infinity, do I know that area, that is 0.5, can I say पीछे से हम 0 से लेके 2 तक का area भी ढूंढ लेंगे, और उन दोनों को फिर हमें क्या करना है, minus, तो मैं जरा equation अगर बनाऊं, so minus infinity less than z less than equal to 0 minus, minus 2 से हम 0 तक जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो बूमरैंग, तो 0.5 माइनस 2 का आंसर है 4772, तो दैट इज 0.0228, दैट्स 0.0228। एंड फिर अगर मुझे नंबर ऑफ पर्संस अगर फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पर्संस तो 0.0228 इनटू 500 11.4 को बेटा राउंड ऑफ कर दो, 12 लोग ऐसे हैं क्लास में जो लेस देन 35 केजीज हैं।
नंबर ऑफ पर्संस में देखो 12 अपना ऐसा आंसर आएगा. बेटा उसके बाद थर्ड वाला सम मैं तुम्हें पूरा ट्राई करने के लिए दूंगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, वो तुम लास्ट में करोगे. नेक्स्ट वाला सम उठाओ. चलो पेज 138 पर सम नंबर 3. पेज 138 पर सम नंबर 3. बेटा स्टार्ट रीडिंग द सम. उसमें खाली मेरे को एक आध हिंट तुम्हें देनी है, बाकी तो फिर तुम आराम से इक्वेशन भी बना लोगे और ग्राफ भी फिर खुद से बन जाएगा तुमसे. चलो स्टार्ट करो. बेटा मैं करूं बेटा मैं करूं कि तुमसे हो ही नहीं रहा है. करते हैं चलो साथ में करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बेटा व्हाट डज इट सेज. बेटा आ जाओ मेरे वीडियो लेक्चर में, आ जाओ उठा लो. चलो आ जाओ लेक्चर में. एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स इज कंडक्टेड फॉर हायर स्टडीज. देखो तुम्हारे लिए, जैसे तुम 10th के बाद अभी 11th 12th कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो कैसा स्टडीज है, हायर स्टडीज है. 20,000 स्टूडेंट्स रिमेन प्रेजेंट इन दिस एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये बच्चों के जो मार्क्स हैं दैट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बट व्हाट इज माय म्यू गिवन टू अस. म्यू 20. व्हाट इज सिग्मा 20. एंड टोटल कितने मार्क्स की एग्जाम हो रही है. Can I say total 200 marks की exam हो रही है. अब पहले वाले में देखो क्या बोले हैं. Students who acquire less than 40%. Student who acquire less than. देखो तुम्हारी कुछ बात बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं. The students who acquired what less than 40% are considered as. They are considered as fail. मतलब 40% आए तो तुम फेल हो, ऐसा अगर वो बोल रहे हैं तो उन्होंने कितने मार्क्स लेके आए होंगे. 80. कितने मार्क्स लेके आए होंगे. 80. Yeah, that's the most important point. तो 200 मार्क्स का 40% अगर मैं करूं तो 80 मार्क्स आता है. तो तुम्हारा 80 मार्क्स से अगर कम है तो तुम माने क्या जाओगे, फेल. एंड हियर इज द की पॉइंट. हमको ये जो 40% दिया है वो उसको एक्स नहीं लेने का अपने को. 200 मार्क का 40% मतलब इट इज 80 मार्क्स. एंड अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही लिखा है कि द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स. तो हमको 40% के बेस पर फिर हमें क्या ढूंढने हैं, मार्क्स. तो 80 मार्क्स से अगर कम है तो यू आर कंसिडर्ड एज व्हाट, फेल. तो बेटा ये 80 मार्क्स मेरा आ गया एक्स, उसको जेड में कन्वर्ट करो.
x minus mu upon sigma minus 2. So beta 80 minus 120 upon 20 minus 2. That's minus 2. अभी दो मिनट पहले कहीं सॉल्व करा ऐसा माइनस टू वाला दो मिनट भी नहीं हुआ होएगा नहीं वो क्या बोल रहे हैं लेस देन होने चाहिए लेस देन सो मेरा इक्वेशन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन माइनस टू बेटा अभी दो मिनट पहले सम करा ऐसा कि जेड इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू मेरे को तो आंसर भी याद हो गया था 0.0228 इट्स 0.0228 मेरे को तो आंसर भी याद है सर आप हो सो बेटा वो एरिया कैसे मिलेगा 0 से माइनस इंफिनिटी तक और 0 से माइनस टू तक का एरिया लेके बेटा मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.0228 ऐसा आ रहा है जरा चेक करो ना यार बट दिस इज नॉट द आंसर अगेन मुझे ढूंढने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु हैव फेल्ड 0.0228 इनटू 20,000 कितना 456 मतलब 20,000 बच्चों में से 456 ने बेटा अपना नाम ऋतिक रोशन कर दिया फेल हो गए बेटा नाम हमने क्या कर दिया रोशन सेकेंड वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं जरा देखो सेकेंड वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज इज बिटवीन Whose percentage is in between 40 to 48? They will write. देखो additional test. देखो मार्च में अगर मान लो हम नहीं निकल पाए तो कैसा जून में आता है additional test. Same case. तुम fail हुए तो we are going now for the additional test. लेकिन उसमें कितने के कितने marks के बीच में आना चाहिए 40 से लेके 48 परसेंटेज अब ये परसेंटेज को अगर मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूं सो ये 80 मार्क्स हो जाएंगे 96 अरे 200 इंटू 48% तो ये हो जाएंगे 96 मार्क्स ने अब हम इनको z में कन्वर्ट कर देंगे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x माइनस म्यू बराबर सो बेटा कन्वर्ट करके जरा मुझे वैल्यूज बता दो प्लीज माइनस टू 80 माइनस 120 अपॉन 20 दैट्स माइनस टू 96 माइनस 120 अपॉन 20 माइनस 1.2 दोनों ही वैल्यू माइनस में आ रही है बेटा तो इक्वेशन कैसे चला इक्वेशन अपना कैसे जाला बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस टू लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.2 ऐसा करके हम इक्वेशन बनाएंगे बेटा फिर हमने इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया तो यहां पर जेड शून्य माइनस 1.2 एंड हियर इट विल बी माइनस टू Tell me which area to be shaded. Tell me which area to be shaded. 1, 2, 3, 4.
2, very good. Kanha sir, this area is to be shaded. But how will I get this area? Kanha sir, 0 se hum 2 wala area dekhenge. 0 se 1.2 wala area dekhenge. Aur dono ko... So minus 2 less than equal to z less than 0. Minus 1.2 less than equal to z less than 0. Can I say we'll play boomerang? So this is 4772 minus 1.2 ka kitna aa raha beta? 0.3849. So what's my probability? 0.0923. तो बेटा number of students अगर मैं find out करूँ, number of students those who are going for additional test, देखो मार्च में काम नहीं बना, additional test के लिए जाना पड़ा, तो 20,000 से करूँ तो कितना आ रहा है? 1846. बेटा थर्ड वाला ट्राई करो, चलो खुद से, इजी है थर्ड वाला. Percentages between 48 से लेके 75. देखो 48 से लेके 75. हमने बेटा उनको बोला आ जाओ बेटा पर्सनल इंटरव्यू करते हैं तुम्हारा, और पर्सनल इंटरव्यू में पास हो गए तो तुमको हायर स्टडी के लिए हम भेजेंगे. सो उन्हें हमने पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन मार्क्स बेटा है क्या 200.
200 into 48, that is 96. And 200 into 75, 150. Okay. So, जिनके मार्क्स 96 से लेके 150 के बीच में है, उनको हमने पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया. तो इसको अगर मैं Z में कन्वर्ट करूं तो X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 96 माइनस 120 डिवाइड बाय 20, 150 डिवाइड माइनस 120 डिवाइड बाय 20. तो ये कितना आ रहा है 1.2 माइनस, और ये कितना आ रहा है पॉजिटिव 1.5 पॉजिटिव. अब इनके बीच में अगर कुछ है, अगर इनके बीच में अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो बेटा मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, अपना इक्वेशन कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस टू लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.5. सो बेटा अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, हम अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें तो z इक्वल टू जीरो है, दिस इज माइनस 1.2 एंड दिस इज 1.5. बेटा अपने को कौन सा एरिया शेड करना है, सेकेंड थर्ड 1 2 3, कौन सा सेकेंड एंड थर्ड. तो जीरो से लेके माइनस 1.2 तक और जीरो से लेके 1.5 तक वो एरिया हमको फाइंड आउट करना है. सो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, माइनस 1.2 से लेके 1.5 नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव कर देंगे. सो बेटा 1.2 का क्या है 0.3849 प्लस 1.5 का 4332. सो दैट्स 0.8181. बेटा दैट्स 0.8181. ये कितनों का आ गया था मेरे करने से पहले, मेरे करने से पहले काफी लोगों का आ गया है यार. तो मतलब फोर्थ वाला तुम कर लोगे ऐसा मेरे को बिलीव हो रहा है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मैं फाइंड आउट करूं 0.8181 इनटू 20,000 16362. एंड बेटा जरा फोर्थ वाला ट्राई करो. द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 75%, उनको तो हमने सीधा बोला कि चल बेटा आजा तेरे लिए हायर स्टडीज तैयार है. जो बेटा सुख तुम्हें ना मिलना, तुम पहले या दूसरे कैटेगरी में ना आ जाओ, देख लेना. हो गया 4F. बहुत बढ़िया, एरिया शेड नहीं किया तुमने. निकिता ये तुम कौन सा एरिया बना रही हो? अच्छा बोले ये ऐसा एरिया, ये सब ग्राफ बनता ही नहीं है वाले सामने. बेटा कितनों का आंसर आ गया? अच्छा अगर मैं तुमको कहूं, तुम ऑनेस्टली जवाब दोगे मेरे को? तमन ऑनेस्टली जवाब नहीं देंगे, ऐसा ना बोल रहे हो तुम. बेटा कितनों ने ग्राफ बना के आंसर लेके आए हैं, ग्राफ बना के? फोर्थ वाले का हमने ग्राफ बनाया और हम आंसर लेके आए हैं.
बहुत बढ़िया बेटा, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था कि तुम ग्राफ बना के आंसर लेके आओ। तुमको बेटा मेरे साथ रहते हुए 9 महीने हो गए लेकिन तुम फिर भी स्मार्ट ना हुए अभी तक। टोटल अगर मेरे पास 20,000 बच्चे हैं, टोटल 20,000 बच्चे हैं, तो हमने पहले ढूंढा उसमें से कितने फेल हुए, 456। कितनों को एडिशनल के लिए जाना पड़ा, 1846। कितनों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, 16362। तो 20,000 में से ये तीनों माइनस कर दो तो मेरा आंसर तुरंत 2 मिनट में आ जाएगा। ग्राफ बनानी जरूर सर, लेकिन आप ये तो देखो मेरे को ग्राफ बनाना आ गया हो तो देखो आ गया। मैंने क्या बोला था अर्शित? हाँ, लेकिन अभी बेटा ये तुम चैप्टर जरा समझो, यहाँ पर जितने सम हमको दे रहे हैं उसमें सब ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे तो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। और आगे भी बहुत सारे सम्स ऐसे हैं जो मैं थियोरिटिकल बेस पे बिना ग्राफ बनाए पता दूंगा ताकि अपना आंसर जल्दी आवे और अपने ये ग्राफ के मगजमारी में ना पड़े। समझ में आ रहा है BELL? अब मैं ऐसा थोड़ी ना बोल सकता हूँ तुमको, मैं तो BELL ही बोलूंगा ना तुम्हें। तुम्हें उसका हिंदी वर्जन अपने आप को बोलने का, सर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर बेटा लिखो, सीधा जवाब आएगा बिना ग्राफ के, लिखो। सर हमने ग्राफ बनाया, हम तो नहीं हटाएंगे, जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए अक्वायरिंग हायर स्टडीज, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 20,000। फिर उसमें से फर्स्ट स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40%, 456 स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 40% टू 48%, 1846। स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 48 से 75, 1336। 20,000 में से ये तीनों आइटम हम माइनस कर देंगे, 20,000 में से हम ये तीनों आइटम माइनस कर देंगे, सो डायरेक्टली विल गेट द आंसर 1336 स्टूडेंट्स, दे आर डायरेक्टली गोइंग फॉर हायर स्टडीज, दे आर डायरेक्टली गोइंग फॉर हायर स्टडीज। अच्छा बेटा ऐसा करो, सेक्शन ई का जो थर्ड वाला सम है ना वो होमवर्क में करो, इतने सम करने के बाद है ना वो तुमसे इजीली हो जाएगा, ट्रस्ट मी, इजीली था ही जैसे। जिन्होंने कर लिया वो बात अलग है, लेकिन जिन्होंने नहीं करा है, क्योंकि बहुत सारे जन बोर्ड पर से उम्मीद लगा के रहते हैं, तो मैंने सब करवा दिया बोर्ड पर, सो वो तुम कर लेना। अभी दूसरा होमवर्क मार्क करो, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, इलस्ट्रेशन 5, बस बस बुलाट।